नमस्कार दोस्तों, आज हिस्ट्री सीरीज चार में अगेन मैं औरंगजेब के बारे में ही बात करूंगा। तो मेरे तीसरे औरंगजेब पे दिए हुए लेक्चर से मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि भी आपने औरंगजेब को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई क्यों कर दिया। तो दोस्तों, वो जो हिस्ट्री सीरीज तीन औरंगजेब में मैंने बताया था, यह अगर आप हिस्ट्री को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो आज मैं जो बताऊंगा उसमें आपको 22 कारण बताऊंगा जो औरंगजेब के शासन काल के समय और उसके मरने के महज कुछ सालों में ही उसके इतने बड़े एम्पायर के गिरने का मेन कारण था। तो उतरते क्रम में देखें तो मेन कारण जो मैं पिछले 50 साल के अपने एक्सटेंसिव रीडिंग से समझ पाया हूँ, उसमें मेन कारण था महाराजा शिवाजी के द्वारा लूटा गया सूरत का अकूत धन। इसमें औरंगजेब के शासन की इनविजिबिलिटी जो है बाहर आ गई और शिवाजी महाराज को अपने वॉर मशीनरी को फंडिंग करने के लिए अकूत धन प्राप्त हुआ। दूसरा कारण देखें तो अपना ये महान शासक अपने जीवन काल का अंतिम 30 साल तकरीबन साउथ में बिजी रहा और उसके साउथ में इतना लंबा बिजी रहने के कारण और 30 साल जो वो 5 लाख प्लस अपनी रॉयल स्टैंडिंग आर्मी को लेकर के आज के महज आधा महाराष्ट्र, पूरा कर्नाटक और कुछ भाग आंध्रा को कंट्रोल करने के लिए 30 साल तक अपनी आर्मी को 5 लाख प्लस आर्मी, वैसे देखा जाए तो उस समय के हिसाब से औरंगजेब की टोटल आर्मी 8.5 लाख के ऊपर थी, जिसमें से 5 लाख प्लस आर्मी वह साउथ में इधर से उधर करता रहा। और उसके 30 साल के शासन में अगर ध्यान से पढ़ें तो 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी। तीसरा जो कारण मैं बताऊं तो राजपूतों का उनके विरुद्ध हो जाना, उसकी जो इंटरनल पॉलिसी थी उसने 125 साल से राजपूत फैमिली और रूलिंग क्लास और वेस्टर्न रीजन का एक बहुत बड़ा वॉरियर क्लास जो पिलर की तरह मुगलों के साथ खड़ा था, अचानक मुगलों के विरुद्ध हो गया। दोस्तों याद रहे, यह राजपूताना और राजपूत वॉरियर क्लास 8वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक अविरत पश्चिमी आक्रांताओं, उत्तरी आक्रांताओं के सामने कैनन फॉडर की तरह काम कर रहे थे। ये बैटल हार्डन सूरवीर क्लास अचानक औरंगजेब के विरुद्ध हो गया, जिससे उत्तरी भाग पूरा खुल गया। इसके बाद में अगर देखें तो और जो रीजन था औरंगजेब के लार्ज स्केल फेलियर का, तो उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो उसने धर्म के आधार पर जजिया कर और बिजनेस में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया, उससे लार्ज स्केल करप्शन समाज में फैल गया। और इन सब के ऊपर जो दूसरा वॉरियर क्लास, क्योंकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये तीनों के शासनकाल में सिखों का लार्ज स्केल सप्रेशन अविरत चालू रहा और 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के कारण जो ये वॉरियर क्लास खड़ा करा किया गया, यह सिख मुगल साम्राज्य के लिए डेथ नेल साबित हुए। उसके बाद का अगर कारण देखें तो अपना ये महान शासक आज के पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान,
से लेकर के कुछ भूभाग मध्य एशिया का भी रूल करता था। तो व्यापार का एक बहुत बड़ा जो इंपोर्ट का आर्टिकल था वो वॉरलाइक हॉर्सेस का, जो ज़्यादा करके सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से आते थे। वॉरफेयर में यह कैमल माउंटेड सीओल गन की टेक्नोलॉजी ले आया, जो उसने दारा सिकोह की लड़ाई में सक्सेसफुली यूज़ किया। लेकिन उसको और आगे मैच्योर कर पाता उसके पहले वो 30 साल तक लगातार दक्षिण में कुछ भूभाग को कंट्रोल करने के लिए व्यस्त रहा और उत्तरी भाग पूरा का पूरा आक्रांताओं के लिए फ्रीबूटर्स, लूटर्स और जिहादिस्ट मेंटालिटी के लो वैल्यू सोल्जर्स के लिए ओपन हो गया। तो जो 2 लाख हॉर्स का ट्रेड होता था वो ट्रेड भी बहुत कम हो गया, जिससे फ्री लूटर्स, बूटर्स और जिहादिस्ट जो व्यापार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, राइट, वह मर्सिनरी आर्मी के रूप में अब मार्केट को अवेलेबल हो गया। उसके बाद का अगर रीजन देखें तो 15वीं शताब्दी में महमूद गावा और 17वीं 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मलिक आम्बेर ने गुरिल्ला वॉरफेयर को लगभग मैच्योर कर दिया था और उस मैच्योर लेवल के गुरिल्ला वॉरफेयर को शाहजी भोंसले, उनके जैसे बहुत सारे रूलिंग क्लास और शिवाजी एक अप्रतिम लेवल तक ले गए। याद रहे दोस्तों, व्यापार जो अब तक नॉर्थ डोमिनेटेड था अब वो साउथ डोमिनेटेड हो गया और व्यापार के बढ़ने के कारण उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उन माल सामान के हेर फेर के लिए मशीनरी आर्मी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और एक अप्रतिम लेवल का साउथ का वैरियर क्लास जो आज तक फार्मिंग और छोटे मोटे व्यापार में या मशीनरी आर्मी के एक पार्ट में इन्वॉल्व था, अब वो ये वैरियर क्लास 30 साल के अविरत लड़ाई में बैटल हार्डन हो गया। कितना बैटल हार्डन हो गया कि औरंगजेब के मरने के महज 50 साल के अंदर रघुनाथ राव भोंसले आज के अफगानिस्तान के अटक तक पहुंच गया और लाहौर की बेगम ने उसे पर डे मार्च उस जमाने का 1 लाख रुपया पर डे के हिसाब से पे किया था। हॉल्ट लेने पे 50,000 पर डे और मार्चिंग पे 1 लाख, अनइमेजिनेबल फिगर थी दोस्तों। उसके अलावा अगर आपने देखें तो साउथ का ट्रेड अब धीरे धीरे जो है पोर्टुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और दूसरी बहुत सारी यूरोपियन शक्तियों के डोमिनेंस में जा रही थी, लेकिन याद रहे बिजनेस अभी भी इंडिया तरफी था। इंडिया का कंट्रीब्यूशन बिजनेस टोटल विश्व व्यापार का 26% के ऊपर हो चुका था। इसके सामने वॉरफेयर में जो ये छोटे मोटे चेंजेस ले आया उसको ये मैच्योर न कर सका। जैसे कैमल माउंटेड सीओएल गन का जो इसने इतनी परफेक्शन के साथ यूज़ किया उसे ये आगे वाली पीढ़ी के लिए मैच्योर न कर पाया और उस टेक्नोलॉजी को 1761 में, मतलब हमारे शासक के मरने के महज 60 साल के अंतराल में अफगानियों ने मैच्योर करके इंडियंस के सामने यूज़ किया पानीपत के थर्ड बैटल में। ये एरा एक ऐसा एरा था कि जिसमें 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में अमेरिका का अकूत चांदी वाया यूरोप इंडिया लैंड अप किया। ये चांदी कितनी रही होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक छोटे से छोटा भूभाग के लिए होने वाली लड़ाइयों का जो बार्गेनिंग होता था वो उस समय 2 लाख से लेकर के 15 लाख चांदी के सिक्के के एवज में होता था। तो आज के फ्रांस में जहाँ एक छोटे से भूभाग में 9 लाख इम्प्रूव
गन्स ट्रेड हुए उसके सामने हमारे यहाँ 100 साल तक कोई नया आविष्कार या जो मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जैसे बंदूक आधारित ट्रेंड आर्मी, राइट, उसके लिए हम लोग इग्नोरेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जागीर और सूबेदारी जो थी, जो आज तक एबलिस्ट को मिलता था, वो लगभग हेरिडिटी हो गई, क्योंकि 30 साल के लंबे शासनकाल में यह शासक पावर ऑफ बैलेंस को बहुत बिगाड़ता गया। हाईली पेड जो ऑफिसर्स थे वो पर्शियन थे, सेकंड नंबर पे राजपूत थे, और तीसरे नंबर पे दिल्ली के रूलिंग क्लास जो सैयद और ये सब होते थे। अब उनकी जगह लूटर्स, फ्रीबूटर्स, जिहादिस्ट, तुर्कमानी, सेंट्रल एशियन और अपने नए वैरियर क्लास साउथ वालों ने लेना शुरू किया। यह कितना इफेक्टिव रहा होगा कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लाहौर पे जिस परिवार का सूबेदारी थी, उसी परिवार की सूबेदारी हैदराबाद में भी थी। दूसरा, यह शासक बहुत लंबा जिया। कितना लंबा जिया? यह 89 साल तक जिया। 50 साल के तकरीबन इसने एक चक्री शासन किया, और उस 50 साल के शासन में 30 साल अपने कैपिटल से 2000 से लेकर के 2200 किलोमीटर दूर रहा। अनहर्ड है, राइट। इसके अलावा अगर देखें तो पिछले 3000 साल की डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड जो हिस्ट्री है वह दिल्ली की है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आक्रांता वो सेंट्रल एशिया के थ्रू आते थे, बोलन पास, खैबर पास, हैदर पास। अब यह रूट पूरा लूटर्स, फ्री लूटर्स और जिहादिस्ट लोगों के कंट्रोल में था। शाहजहां के टाइम से लेकर के औरंगजेब के टाइम तक कारवां को पास होने के लिए इन कबीलों को ब्राइब किया जाता था। इससे भी इसकी साख काफ़ी गिरी। लो वैल्यू, अगर 17वां रीजन देखें तो लो वैल्यू तुर्कमानी, सेंट्रल एशियन और कबायली लोग सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होने लगे, जिनकी वफादारी और लड़ने की क्षमता बहुत ही कम थी। मतलब जो ट्रेंड आर्मी था उसकी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मर्सिनरी आर्मी और पैसे के बल पे ट्रेड ऑफ होता था हर एक लड़ाइयों और हर एक किलों के कब्जे के लिए। मर्सिनरी आर्मी 16वीं शताब्दी से ही साउथ में काफ़ी पॉपुलर हो गया था, लेकिन नॉर्थ में सेंट्रल रिजीम स्ट्रांग होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जागीरदारी, मनसबदारी, पैदल सेना और घुड़सवार, यह रॉयल फैमिली के बीच में ही रहता था। दिल्ली से इतना ज़्यादा दूर होने के कारण जो 18वां रीजन था वह था जो आज के उत्तरांचल, हिमाचल से लेकर के लेह लद्दाख का जो भूभाग था, ये छोटे छोटे राजाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और जो राजपूतों के बाद में कैनन फोडर की तरह मुगल साम्राज्य के लिए काम करते थे। फंड की कमी के कारण ये अपनी स्वायत्तता और संसाधन पे कंट्रोल न कर पाए, और मुगल काल में ही आज के नेपाल का आधिपत्य हिमाचल प्रदेश तक के भूभाग तक हो गया। जिन भूभागों पे नहीं हुआ उन पे सिख मिसलदारों ने कब्जा कर लिया। वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ, सेंट्रल रिजीम से 30 साल दूर होने के कारण दिल्ली या उसके आसपास के जितने रूलिंग एलाइट थे उनकी शादियाँ मोर और लेस विद इन फैमिली, विद इन क्लान होनी शुरू हो गई, जिससे वेल्थ कुछ परिवारों में ही सीमित रहा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ। उसके सामने हिंदू रूलिंग क्लास, हिंदू जागीरदार या हिंदू बिजनेसमैन अपने क्लाउड को और अपने वेल्थ को मोर और लेस पीरियडिकली डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। यह बादशाह, नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत लंबा जिया। उसके कारण जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन थी वह काफ़ी एजेड हो गई, उनमें बैटल और उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज का अभाव हुआ।
वेल्थ एक्यूमुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस रिजीम के फेलियर का। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के बिजनेस का 26% इंडिया कंट्रोल कर रहा था। इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, जो मैंने कहा, तो बड़े बड़े धार्मिक जो केंद्र थे वो व्यापार के भी केंद्र थे और एजुकेशन के भी केंद्र थे। उनके डिस्ट्रक्शन के कारण जो राज्य को रूल करने के लिए एक एजुकेटेड क्लास मिलता है, वो अचानक पावर बैलेंस बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि अब एजुकेटेड क्लास मुस्लिम कम्युनिटी से ही मदरसा बेस्ड आने लगा, जिनकी सोच और जिनकी क्षमता पर मैं कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन पावर बैलेंस जो है वो बिगड़ गया। और लिस्ट लेकिन सबसे कम ना हो करके मैं कहूँगा कि इतने लंबे शासन काल के बावजूद जो टर्की का शासक या इजिप्ट का शासक आज के दीव और दूसरे भूभागों तक अटैक करने को तैयार थे, उनको चेकमेट करने के लिए हमारा ये शासक तैयार नहीं था। हुआ क्या? अप्रतिम ढंग से वेल्थ बढ़ी पूरे इंडिया में। इंडिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था कि जहाँ पे वर्ल्ड का किसी भी कंट्री, किसी भी एथनिसिटी के लोग आकर के रहते ना हों। पहली बार ऐसा हुआ, ये पहली सेंचुरी थी। और 150 साल के मुगल शासन के बावजूद, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बावजूद, जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, क्योंकि यूरोपियन ट्रेड शुरू होने के बाद में जो स्लेव, कास्करेटेड स्लेव, मर्सिनरी आर्मी के रूप में इंडिया को अवेलेबल थे, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियंस को अवेलेबल हो गए, या उनका ट्रेड ऑफ बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब समुद्री रास्तों पर पूरा का पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। ये 22 कारण हैं जिसके कारण मुगल एम्पायर पत्ते के ढेर की तरह औरंगजेब के मरने के बाद सर्वनाश हुआ। जय हिंद।